वेलकम टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल फ्रॉम द ब्रांड शुगर। यस गाइज, शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ में मैंने एक दो प्रोडक्ट लिए थे एंड उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे उनके प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए थे। आई वॉज लिटरली वेटिंग फॉर एवरीथिंग, मतलब हर एक ऑफ़र का मैंने वेट किया है, तब जाके मैंने अभी शुगर के कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए हैं और अब आज मैं उसका पूरा वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल कर रही हूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मैंने इसमें स्पेंड किया है, तो और ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने अपने हार्ड एंड मनी से सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं और आपके साथ में वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल और ये लुक शेयर कर रही हूँ मैं। ये आप कैसे भी अचीव कर सकते हो, वेडिंग गेस्ट जो आप सोचो उस हिसाब से ये लुक इतना अप्रोप्रिएट है ना, मतलब हर लुक पे चला जाएगा। और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, फटाफट से वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना सबसे पहली बात, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम शुगर एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, सबसे पहली चीज़ मेरे पास में है शुगर का ये साइट्रस गॉट रियल कूलिंग स्टिक, बट आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। प्लीज़ मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताना कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये कूलिंग कुछ स्टिक सी है एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है ऑरेंज सा है, तो आई रियली डोंट नो कि कैसे यूज़ करते हैं क्या है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी स्किन केयर किया है तो मैं डायरेक्टली प्राइमर पे जंप करूँ। सो आज मेरे पास में जो प्रोडक्ट्स है कुछ फर्स्ट इंप्रेशन भी है, तो जैसे कि ये उसमें एक प्राइमर है तो मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये प्राइमर और ये स्टिक फॉर्म में है एंड अभी देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में कैसा ये वर्क करते हैं। ये एक पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है, एट द सेम टाइम ये हाइड्रेट भी करेगा, तो अगर आपका ड्राई स्किन है तो ये आपके फेस को हाइड्रेट भी करेगा साथ ही साथ। तो अभी मैं फर्स्ट इंप्रेशन में इसका एकदम नहीं बता सकती हूँ, बट उतना ज़्यादा इसने मिनिमाइज नहीं किया है मेरे पोर्स को, तो ओके ऐसा लगा अभी फिलहाल मुझे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फाउंडेशन की तरफ। फॉर फाउंडेशन आई हैव फाउंडेशन स्टिक इन द शेड 37 फ्रेडो, कुछ इस टाइप का दिखता है। इट कम्स विथ ब्रश आल्सो, तो ये ब्रश है इसके बैक साइड में एंड ब्रश जो है काफ़ी अच्छा है, अच्छे से ब्लेंड होता है, मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने 37 नंबर लिया है एंड इसका ब्रश भी काफ़ी अच्छा है, मैंने इसके पहले ब्लेंड किया था तो इजी टू ब्लेंड है, बट छोटा होने के कारण थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जितना ब्रश से हो पाया मैंने तो किया, पर ब्रश से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। ओके, ये रिटेल करता है 999 और उस हिसाब से कवरेज जो है बिल्डेबल है और मीडियम टू हाई है, बट एकदम सुपर हाई नहीं है, बट मीडियम से थोड़ी सी हाई है। सो नाउ यू कैन सी, बिकॉज मैंने एग्जैक्ट शेड लिया है तो बहुत ही अच्छे से एकदम मेरा फेस नेचुरल जैसा है वैसा ही दिख रहा है। नाउ आई एम टेकिंग कंसीलर फॉर हाईलाइट माई फेस, फॉर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 30 मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर, मतलब ये वाटरप्रूफ है। ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इसके साथ में, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी कंसीलर शुगर का नहीं अप्लाई किया है। लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी है और उसी के साथ साथ में थिक कंसिस्टेंसी है टेक्सचर की कंसीलर की। नाउ मैं अब अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी। ओके, तो कंसीलर को समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि कुछ कंसीलर होते हैं ना जो एकदम से पसंद आ जाते हैं और कुछ कुछ होते हैं जो वक्त लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने कुछ कुछ स्पॉट्स पे इसको अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन ने वहाँ पे कवर अप नहीं किया है एंड ये थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाता है, तो अगर आपका ऑयली स्किन है तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा, ड्राई स्किन वालों के लिए और ज़्यादा ड्राइंग कंसीलर हो जाएगा। ओके, नाउ बहुत ज़्यादा क्रीम और लिक्विड प्रोडक्ट्स हो गए हैं तो इसको फटाफट से सेट करना तो बनता है। फॉर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये ऑल सेट टू गो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर और ये रिटेल करता है 599 रुपीज़, बट डोंट वरी गाइज, मैं जितना भी प्राइसिंग आपको बता रही हूँ आपको ये सारी चीज़ें ऑफर में मिल सकते हैं, तो आप शुगर की वेबसाइट ज़रूर चेक करना। ऐसा लग रहा है कि मैं आजकल शुगर का बहुत ज़्यादा शुगर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हूँ, आजकल मेरे चैनल पे शुगर के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मैंने इसको अभी तक यूज़ भी नहीं किया है, तो जस्ट अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ, तो ये भी इसके भी साथ मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ही है। ये काफ़ी अच्छे से सेट कर रहा है मेरे कंसीलर को, तो अगर आपका ऑयली स्किन है ना
तो आपको बहुत फटाफट से, तो अगर आपको ऑयली स्किन है तो आपको बहुत फटाफट से इसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रीम और लिक्विड बहुत ज़्यादा क्रीजिंग क्रिएट कर सकते, थोड़ा कॉस्टली है बट मज़ा आ गया। पाउडर ने बहुत ही अच्छे से सेट किया है। अब मुझे जो प्रॉब्लम था कि कंसीलर और फाउंडेशन का, जो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, ये तीनों प्रोडक्ट है, कंसीलर, फाउंडेशन और इसका जो लूज़ पाउडर है, काफ़ी सही से सेट हुआ है और काफ़ी मस्त लग रहा है मेरे फेस पे, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, नाउ आई मेकअप पे फटाफट से बढ़ते हैं। बाकी का जो अभी तो सेट कर लिया है, तो अभी कुछ अपना मेकअप तो हिलने वाला नहीं है। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ब्लेंड द रूल आई शेडो पैलेट 01 फ्लॉलेस, कुछ इस टाइप का है। इट कम्स विथ अ मिरर, आपको मिरर भी मिल जाएगा। यू विल गेट 8 शेड, 5 शेड्स शिमर है और रेस्ट जो है वो मैट शेड्स है। ओके, नाउ सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी कोरल, और ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ कप्स एंड लैशेस का E007, एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है। एंड थोड़ा सा ही मैंने टच किया एंड देखो कितने अच्छे से ब्रश ने भी पिकअप किया है, और जो आई शेडो है वो भी काफ़ी अच्छे पिगमेंटेड है। नाउ डस्ट, थोड़ा सा डस्ट ऑफ करूँगी क्योंकि एकदम से कलर लग जाएगा। नाउ मैं अपनी क्रीज पे इसको अप्लाई करूँगी। ओह माई गॉड, कलर बहुत ही सही है, थोड़ा सा ही लिया है मैंने एंड काफ़ी सही कलर आया है। बिल्कुल जस्ट जब मैंने इसे प्लेस किया ना, तभी मुझे बहुत पसंद आ गया, और मैंने एक्चुअली इसका स्वॉच भी किया था, तो मुझे तभी एक शेडोज़ बहुत पसंद आ गए थे। तो मैं अपने क्रीज पे इसको जस्ट अप्लाई कर रही हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसी के साथ साथ में मैं दोनों आई पे इसको अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं दोनों आंखों में एक साथ कर लेती हूँ। ओके, मैंने जो है कोरल कलर उसको प्लेस किया है एंड काफ़ी अच्छा कलर है। क्योंकि मैंने दोनों आंखों पे कर लिया है, तो इसलिए मैं सेम ब्रश की हेल्प से लूँगी अर्थ ही ऑरेंज कलर, एंड दिस इज़ लाइक ऑरेंज ही कलर है, और काफ़ी अच्छे से कलर पिक हो रहे हैं यार, बहुत ही सही, बहुत सही ब्लेंडिंग हो रही है। अब मैं थोड़ा सा डेप्थ दूंगी एंड अपने जो ट्रांजिशन है उसके थोड़ा नीचे इसको प्लेस करूंगी एंड आउटर वी पे लेके ब्लेंड करूंगी। इतने ज़्यादा सॉफ्ट, बटर सॉफ्ट कलर है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये कुछ रिटेल करता है 1100 रुपीज़, बट आप इसको फ्री में भी ले सकते हो, क्योंकि ऑफर्स ही ऐसे हैं। मैंने इसको फ्री में ही लिया है, तो डेप्थ दे दिया है एंड बहुत सही लग रही है ये। एक्चुअली मैंने कुछ अलग सोचा था आई लुक, पर ये इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ही बहुत ही सही लग रहा है यार। मैं कितने बार सही लग रहा बोल रही हूँ ना। ओके, दोनों आंखों पे मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। पर थोड़ा सा हम और इसमें शिमर ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी शैम्पेन गोल्ड कलर, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और काफ़ी सही वाला मेटेलिक शेड है, तो इसको मैं अपनी, वाओ दिस इज़ प्रिटी। आप फिंगर से भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो विथ ब्रश ऑल्सो, फ्लैट ब्रश। तो मैं दोनों से इसको अप्लाई करके देखती हूँ, पहले मैंने फिंगर से अप्लाई किया है, नेक्स्ट दूसरी आंखों पे मैं ब्रश से देखूंगी। फिंगर से तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी आई है, अब मैं ब्रश ले रही हूँ जो कि है कप्स एंड लैशेज का E003, एंड देखते हैं ब्रश से कैसी आती है। नथिंग, ब्रश से शिमर शेड का पिंक कुछ है ही नहीं, मतलब मैंने तो देखा है ना, कुछ भी नहीं है। ब्रश से मत अप्लाई करना, फिंगर से बहुत ही अच्छी आने वाली है। एक ट्राई फिर से दे रही हूँ मैं ब्रश को, फिंगर से ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ब्रश से मैं सिर्फ लाइनिंग दे रही हूँ, फिंगर से बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट आ रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं जो ऑरेंज कलर था उसको थोड़ा और लूँगी, और अगेन थोड़ा सा अच्छे से डेप्थ पे लगा लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लाइट हो गया है। और सब कुछ अच्छे से लगाने के बाद में एक क्लीन ब्रश लूँगी एंड उससे सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ताकि ये बिल्कुल ऐसे ब्लेंडेड लगे। वैसे मैंने बताया नहीं कि इस पैलेट के साथ में ये छोटा सा अप्लीकेटर भी आता है, जिसमें एक साइड में अप्लीकेटर है एंड दूसरे साइड में छोटा सा ब्रश भी। ओके, तो इस पैलेट को मुझे और थोड़ा सा यूज़ करने की इच्छा हो रही है, तो मैं ये कॉपर शेड ले रही हूँ और थोड़ा और अप्लाई करती हूँ सेंटर पे, मतलब जहाँ पे ये दो कलर की लाइन है ना, मैं वहाँ पे इसको जस्ट इस स्टेप से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने कॉपर ने लिया है डीप बर्गंडी शिमर शेड लिया है, क्योंकि कॉपर से अच्छा ये कलर लग रहा है। सो सच बताओ तो मैं इस पैलेट को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तभी जाके मैंने ये धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। इस पैलेट के लिए तो मैंने
मतलब कितना ही वेट किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये पैलेट पर्सनली। नेक्स्ट आईलाइनर की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये ब्लैक इन ब्लैक 01। ओके, तो मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ और इसका एप्लीकेटर ना एकदम स्टिफ भी नहीं है और एकदम मूव करने वाला भी नहीं है, इन बिटवीन वाला है। तो जस्ट अप्लाई कर रही हूँ, अभी मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ओके, राइट नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर ब्लश और हाइलाइटर के लिए शुगर का कॉन्टोर दी फेस पैलेट इन द शेड 01 सपल समिट। इसमें आपको तीन शेड्स मिल जाएंगे, कॉन्टोर ब्लश और हाइलाइटर। और कॉन्टोर की हालत देख सकते हैं मैंने कितना इसको यूज़ किया है, इट कम्स विथ अ मिरर। उसके साथ साथ में आपको अगर ये सिंगल पैन लेना है तो आपको सिर्फ कॉन्टोर एक अकेला, हाइलाइटर एक अकेला और ये ऐसे अकेले अकेले सिंगल सिंगल भी मिल जाएंगे, बट वो कुछ 300 या 400 के रिटेल करते हैं, 400 के करते हैं। और ये तीनों चीज़ें एक साथ आपको अगर लेते हो तो आपको ये 800 रुपये का मिल जाता है। राइट नाउ मैं थोड़ा कॉन्टोर करूँगी इसी पैलेट से एंड उसके बाद में बाकी की प्रोसीजर बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बारे में बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये एकदम नेचुरल कॉन्टोर, नेचुरल ब्लश और नेचुरल हाइलाइटर लगता है। बिल्कुल, मतलब बहुत ही सटल लगता है आपके फेस पे, ऐसा लगता नहीं है कि हार्श कुछ कॉन्टोर है। मतलब इसके कलर का जो पिगमेंटेशन है ना, वो ही इतना न्यूट्रल और नेचुरल है। ओके, तो ब्लश मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ। ओके, मैं जो सिंगल पैलेट की बात कर रही थी वो इस टाइप के सिंगल पैन्स आते हैं, इसमें आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा। इसमें मैं ले रही हूँ कॉन्ट्रोल शेड 05 कोरल क्लाइमेक्स। ये एक ऑरेंजिश पीच काइंड ऑफ शेड है एंड इसको मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी अपने चिक्स पे। ओके, नाउ हाइलाइटर लगाती हूँ मैं, और हाइलाइटर थोड़ा पाउडरी है बट लगाने पर एकदम मस्त लगता है। लगाते वक्त पाउडरी लगता है पर लगने के बाद में बहुत ही अच्छा स्किन में बैठ जाता है। जहाँ जहाँ पे आपको चमकाना है आप चमका लो अपने फेस को। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा हाइलाइटर लगाना, इसलिए लगा रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है ऑयली, ज़्यादा ओवर ऑयली स्किन है तो एकदम इतना मत लगाना, ठीक है। तो हाइलाइटर मैंने लगा लिया है। अभी आपको मेरा फेस थोड़ा डल लग रहा है, डोंट नो व्हाई, मुझे भी लग रहा है क्योंकि ये जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल मेरे स्किन टोन का है। दैट्स व्हाई, एक शेड लाइट अगर मैं लेती तो ज़्यादा अच्छा होता मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, ये थोड़ा ऑक्सीडाइज कर रहा है ऐसा मुझे लगता है, बट अभी और वक्त इसको पहनना पड़ेगा तब मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्ट कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो आईब्रोज के लिए मेरे पास में स्पेशल मैंने आईब्रो पेंसिल नहीं ली है क्योंकि मैं एक जुगाड़ करने वाली हूँ एज यूजुअल। तो ये जो कोल है शुगर का, इसी को ही मैं आईब्रो पोमेट यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा शिमर है तो इसको पहले मैं बैक ऑफ द हैंड थोड़ा लगा लूँगी। उसके बाद मैं एक ब्रश लूँगी, उससे एक एंगुलर ब्रश एंड उससे फिर अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। इट हैज़ थोड़ा बहुत शिमर बट काम चल जाएगा मेरा, लग नहीं रहा है ना बिल्कुल भी। तो जो इसका जो शिमर है ना वो यहाँ पे बैठ गया है और जो काजल काजल है वो ऊपर आ जा रहा है, तो उसकी वजह से मेरे आईब्रोज में शिमर नहीं दिख रहे हैं। आईब्रोज भी फिल हो गई है काजल से, बट आपको बहुत लाइट हैंड से वर्क करना पड़ेगा अगर आप काजल से आईब्रोज फिल कर रहे हैं तो। ओके, तो मैं आईब्रोज को ज़्यादा छेड़ने नहीं वाली हूँ क्योंकि वैसे ही मेरी आईब्रोज शेप में नहीं है और बिगड़ जाएगा। और ये काजल आप देख सकते हैं, इसके अंदर में इस टाइप का शिमर है, तो इससे ही सिर्फ ओनली विथ दिस काजल आप एक अच्छा सा ड्रामेटिक आई लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ आई हैव देव मस्कारा भी। तो मस्कारा जो है मिनी वर्जन में है और ब्लैक कलर में है, ब्लैक ब्यूटी 01, और देखते कैसा काम करेगा। इसका जो एप्लीकेटर है वो काफ़ी प्रिसाइज है जिसकी वजह से अगर आप लोअर लैश लाइन को मस्कारा लगाते हो ना तो बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। ओके, अगर मस्कारा की बात करूँ तो मस्कारा मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि लेंथ तो दिया है पर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं, और वाटरप्रूफ है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक यूज़ ही नहीं किया है। अभी तो फर्स्ट इंप्रेशन था मेरा मस्कारे के साथ में। फॉर लिपस्टिक आई हैव सो मेनी लिपस्टिक्स, लिप क्रेयॉन भी है 3 और लिपस्टिक है 4, और सारे ही रेड कैटेगरी के हैं। क्रेयॉन में मेरे पास में 2 न्यूट्रल है, 3 न्यूट्रल है और 1 रेड कलर है। तो आई एम प्लानिंग कि मैं रेड ही अप्लाई करूँ, तो देखते हैं
क्या अच्छा लगेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, इससे जो है ये जो लिप क्रॉन है ये मिनी लिप क्रॉन है। तो ये शेड कौन सा है, 01 स्कारलेट ओहरा, ये लिप क्रॉन है। तो इससे मैं आउटलाइन कर लेती हूँ एंड बाकी फिलिंग मैं लिक्विड लिपस्टिक से करूँ। ओके, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ लिक्विड लिपस्टिक, ये मिनी लिप, तो ये मिनी लिक्विड लिपस्टिक है 02 ब्रिंक ऑफ पिंक। तो ये रेड नहीं, पिंक है। तो देखते हैं कैसी लगती है, बट दिख तो ये रेड ही रही है। ओके, तो ये जो है बिल्कुल मैट लिपस्टिक है, और अगर आपका ड्राई, एकदम ड्राई लिप्स है ना, तो पहले आप अच्छे से मॉइस्चराइजर ज़रूर लगा लेना, अदरवाइज ये सुपर सुपर ड्राई लगेगा। फॉर्मूला तो अच्छा है, बट मुझे थोड़ा सा जब मेरे लिप्स पे थोड़ा टच हो रहा है ना, तो मुझे मट्टी मट्टी सा फील हो रहा है। तो थोड़ा सा पर देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, तो ये मेकअप तो मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं थोड़ा तैयार होके आती हूँ, ऐसे नहीं अच्छी लगूंगी, थोड़ा तैयार होके आती हूँ एंड फिर मिलती हूँ, ठीक है। अगर आप काजल लगाना चाहो तो काजल लगा सकते हो, काजल भी था बट मैंने नहीं लगाया, अगर मेरा मूड हुआ तो लगा लूँगी बीच में, अदरवाइज नहीं लगाऊंगी। तो लैशेस लगाऊंगी और कुछ तैयार होके मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, ये मेरा फाइनल फिनिश लुक है। ये मैंने ज्वेलरी वेयर की है जो कि अमेजोन से है, इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्रीन पे रेड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था तो मैंने पहन लिया, लिपस्टिक भी रेड है, इयररिंग्स बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे से हैं, जूड़ा मैंने लगाया है सिंपल सा, मिड पार्टिंग की है और थोड़े से बस यही, और छोटी सी बिंदी लगाई है गोल्डन कलर में, और अल्सो रेड भी मैंने लगा के देखा है, ग्रीन भी लगा के देखा है। तो अगर आपको आपको जो भी लुक अच्छा लगता है आप वैसे अचीव कर सकते हो। ये जो लुक है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक के हिसाब से, इफ़ आप न्यूली ब्राइड हो तो भी आप ऐसे फंक्शंस में लुक कैरी कर सकते हो। ये जो लुक है बहुत ज़्यादा क्लासी और अच्छे लगते हैं, और सिंपल भी लगते हैं, ये क्लासी, ऐसे दो तीन चीज़ें अच्छी लगती है इसमें। एज अ फेस्टिव लुक आप इसको अचीव कर सकते हो, मतलब आप इसको जैसे वेयर करना चाहो वैसे वेयर कर सकते हो, जिस आउटफिट के साथ आप वेयर करना चाहो उस आउटफिट के साथ ही अच्छा लगेगा, इतना वेरेबल मेकअप लुक है ये। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और शुगर के प्रोडक्ट्स का एक्चुअल जो रिव्यू है वो मैं धीरे धीरे अपने चैनल पे दूंगी, क्योंकि दिस इज लाइक फर्स्ट इंप्रेशन, और क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स मेरे फर्स्ट इंप्रेशन के हैं, कुछ प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हैं तो मुझे पता है वो कैसे हैं। तो धीरे धीरे मैं अपने चैनल पे और भी वीडियोस लाऊंगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अच्छा सा कोई कॉमेंट छोड़ देना कॉमेंट सेक्शन में। एंड यही फाइनल लुक है, जो साड़ी है ये मीशो से है, एंड या आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।